मथुरा में अस्पताल संचालकों की मनमर्जी बेशर्मी की तस्वीरें मथुरा में रोज सामने आती हैं, लेकिन कुंभकर्णीय नीति से स्वास्थ्य विभाग जाग नहीं रहा है। गोवर्धन चौराहे स्थित न्यू लाइट हॉस्पिटल में पिता पुत्र की एक्सीडेंट के बाद उनको भर्ती कराया गया, जहां पिता की मौत हो गई। वो पुत्र की मौत के बावजूद भी ऑपरेशन व इलाज के नाम पर 2.5 लाख रुपए की वसूली करते रहे, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। मौत के बाद भी डेड बॉडी नहीं दे रहे थे और पैसे की मांग कर रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ से हमारी यह गुजारिश है कि मथुरा में कुकुर मुत्तों की तरह खुर्दे फर्जी अस्पतालों पर मुख्यमंत्री जी अपना बुलडोजर चलाइए। मथुरा जनपद में हॉस्पिटल संचालकों की मनमानी बढ़ती जा रही है और संवेदनहीन अस्पताल संचालक होते जा रहे हैं। ताजा मामला थाना हाईवे क्षेत्र के गोवर्धन चौराहे के समीप न्यू लाइफ लाइन हॉस्पिटल का है, जहां एक ही अस्पताल में पिता पुत्र की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद उसका 19 वर्षीय पुत्र नरेश घायल अवस्था में था। हॉस्पिटल संचालकों ने परिजनों से कहा कि इसका ऑपरेशन होना है, अब 2.5 लाख रुपये जमा करा दो। परिजनों ने 2.5 लाख रुपए जमा कर दिए, लेकिन सुबह हॉस्पिटल प्रबंधन ने कहा कि आपके बेटे की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल पर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं मामले की कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ हॉस्पिटल संचालकों ने बदसलूकी की और फोन छीन लिया और उनका वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाने लगे। जानकारी के मुताबिक 26 जून की रात नरेश और उसके पिता मजदूरों के साथ लेंटर डालकर घर वापस आ रहे थे। इसी दौरान रोडवेज बस से उनकी भिड़ंत हो गई। दोनों पिता पुत्र बुरी तरीके से घायल हो गए। दोनों को न्यू लाइफ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पिता की पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल संचालकों ने कहा कि बेटे की हालत खराब है, ऑपरेशन कराना होगा। लेकिन ऑपरेशन के नाम पर बड़ी रकम अस्पताल संचालकों ने जमा करा ली और सुबह 19 वर्षीय नरेश की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि 2 दिन तक बिल्कुल भी नरेश से मिलने नहीं दिया गया और हॉस्पिटल वाले पैसे लेते रहे। वहीं परिजनों ने यह भी बताया कि पिता पुत्र की मौत के बाद केवल 2 छोटी बहनें रह गई हैं, मां की पहले मौत हो चुकी है। पीड़ित का परिवार बहुत गरीब है, वह 2.5 लाख रुपए व कहां से पैसे जमा कराएं। वहीं पैसा न मिलने तक हॉस्पिटल वालों ने सब न देने पर अड़े रहे। तब कहीं जाकर किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामे को शांत कराते हुए मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई। ललित उपाध्याय, मथुरा समाचार 24। गांव घोषणा के रहने वाले करना ये थी भैया, कल अपना यमुनाबाद थाने में अपना ईट मंडी के सामने, सब्जी मंडी है जो राय के पास में, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। तो उसमें हमारे 3 बंदे घायल थे और एक की आग वगैरह में लगी हुई है। एक यहाँ पे इस हॉस्पिटल में भर्ती किया था, पहले हम सिविल हॉस्पिटल लेके गए थे, वहां से एक दलाल साथ में आया, उसने भर्ती कराया यहाँ पे और आधी रात में 2.5 लाख रुपए दिलवा दिए उसने। और इन्होंने हमने जब मीडिया बुलाई तो मीडिया से बदतमीजी की, क्योंकि हमारे सारे बंदे कोई चील लड़के का कोई कहीं गया हुआ था, सारे बंदे व्यस्त थे। उन्होंने खाली धांधलेबाजी की और बच्चे को सवेरे हमसे कह रहे हैं उसकी डेथ हो गई। 2.5 लाख रुपए खींचने के बाद 2 बंदे को यहाँ से उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, होगा इनका कुछ नहीं होगा, इनको यहाँ से ले जाओ। डॉक्टर कुछ नहीं कह रहे हैं, उन्होंने पैसा ले लिया, ऑपरेशन कुछ नहीं किया। इनकी तो मौत का क्या ऑपरेशन करेंगे, वही वाली चीज है। इन्होंने ड्रामा करके 2.5 लाख रुपए खींच लिया है और उन बच्चों में छत भी नहीं है रहने के लिए और खाली बदतमीजी कर रहे हैं। उनके पेशेंट के जो बच्चे चाचा ताऊ रिश्तेदार जितने भी हैं, उन लोगों को मारपीट करने की आवत आ गई है। मीडिया से बदतमीजी कर रहे हैं, मीडिया के हाथ पाथ छोड़ रहे हैं और फोन वगैरह चला रहे हैं ये लोग। अंदर मीडिया के वो जो डॉक्टर साहब हैं और उनके साथ जो एक दलाल जो आपको आया था वो, और जो 4 आदमी खाली मिलके ही अंदर बार बार बैठ जाते हैं, अपनी ही अपनी मीटिंग कर रहे हैं और इन लोगों को कुछ भी आश्वासन नहीं दे रहे हैं। भैया पुलिस कुछ नहीं, पुलिस कह रही है हाँ बात कर रहे हैं। हम पुलिस के ही ऊपर अभी निर्भर हैं और जब पुलिस से ज्यादा बाहर जाएगी तो आगे सीएम योगी जी के भी लिए डीएम वगैरह के आवाज भी जाएंगे। भैया डेड बॉडी अभी नहीं दी है इन लोगों ने और पैसे वगैरह की जो भी है रिटर्न कराए उन पैसों को और उन बच्चों के लिए देखे कुछ भी। भैया उन बच्चों के लिए छत भी नहीं है, उनका पिता भी चला गया और उसका भाई भी चला गया, उन लड़कों के कुछ भी नहीं है। आज के समय बहुत बुरी स्थिति है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। भैया आप लोग साथ दीजिएगा बस, और देशवासियों से यही है। रामचरण, क्या ये मामला हुआ है? मामला ये था कि हम हॉस्पिटल लेके आए थे मरीज को, कल इन्होंने बोला कि हम ऑपरेशन करेंगे, 3:30 बजे बोला 20 मिनट में हमें ऑपरेशन करना है, इनका पैसे जमा कर दो। हमने पैसे फुल गारंटी ली, इन्होंने हमने पैसे जमा करे थे,
फिर अलग कुछ लोग बोले के यहाँ तो जो लापरवाही कर रहा है ऐसा है कि कहीं अंत ले चलो। तो हमने इन्होंने से रिक्वेस्ट करी कि सर हमें हमारा बंदा दे दो, हम मायावती में ले जाना चाह रहे हैं। तो बोले कि ले जाओ, पैसे वापिस नहीं मिलेंगे, हमने बंदा बेहोश कर दिया और ऑपरेशन करना ही करना है हमें। इन्होंने कहा 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ले चुके हैं ये अब तक। कंडीशन तो हमारी, कल बंदा ऑपरेशन हुआ था, हमारा बंदा का ऑपरेशन हो गया था, सही सलामत था हमारा बंदा, और सुबह तक सही था हमारा बंदा सुबह तक सही था। अब 9:30 बजे हमें खबर मिली हमारा बंदा एक्सपायर हो चुका, हम बाजे आए। पहले उन्होंने जी हटा, आप यूँ करें कि इतने पैसे और जमा करो, किस बात के पैसे जमा करते हैं? हमारा एक्सीडेंट हुआ था सर, ये हुआ था दीवानी की चौकी पे। हाँ, उनका नाम क्या था? नरेश। रहने वाले ये रहने गांव घोषणा है, गांव घोषणा है जी। हाँ उसी में, और कोई घायल हुआ उसमें? हाँ, हुए पिताजी एक्सपायर हुए कल, 7 लोग थे उसमें, 7 लोग थे। हाँ जी, 3 घायल है, 3 है जी। लोग कह रहे बिल जमा कर दो, मरीज को ले जाओ, डेड बॉडी ले जाओ। हाँ, डेड बॉडी हॉस्पिटल के अंदर ही है। पिताजी की बच्चे वाले बैठ गए थे, उनका नाम था राजपाल, बेटे का नाम है नरेश। कितने पैसे जमा कर चुके हैं? 2 लाख रुपए जमा कर दिए। अभी और पैसे मांग रहे हैं? हाँ जी। कितने और मांग रहे हैं? अभी वो कह रहे बिल बना के दे रहे हैं, देखो 2 लाख रुपए थे, 54,000 का बिल दिया है। हम भाई लगते हैं